Hey guys, आज मैं करने वाली हूँ मेरा पहला Get Ready With Me और आज मुझे बनानी है मीशो कलेक्शन की वीडियो, मेरा ड्रेस कलेक्शन जो है मीशो का, और वो मैं पहन कर दिखाऊंगी। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। तो मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, थोड़ा बहुत जो भी आता है। तो चलिए तैयार होते हैं मेरे साथ में और पहले देख लेते हैं मेरा मेकअप किट। सो ये है मेरा बाबा आदम के ज़माने का मेकअप किट। इसका डेकोरेशन आप देखो, ये शादी के टाइम पे ऐसे ही दिया गया था और एज इट इज़ रखा हुआ है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और उस वक्त इसी तरह के मेकअप किट चला करते थे, तो मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा है, ना ही किसी को दिया है और ना ही मैंने इसको फेंका है। तो गाइस ये सब कुछ इसमें सामान भरा पड़ा है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी। और ऐसा मेकअप किट वैसे अब तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी के पास उस टाइम का, जिसकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, अगर रखा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी जान के कि मेरे जैसे और भी लोग हैं। सो गाइस, पहला स्टेप है अपने बालों को संभाल के रखना। आज मैंने हेयर वॉश किया है, बाल थोड़े गीले हैं तो मैं ये बैंड लगाऊंगी पहले, ताकि वो मेकअप में मुझे डिस्टर्ब ना करें। वैसे मुझे मेकअप करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन आज वीडियो बनानी है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेकअप कर ही लूँ। तो गाइस, मेकअप की शुरुआत करूंगी मैं एक प्राइमर से। ये मेरा प्राइमर है रैनी का बॉलीवुड फिल्टर। ये बहुत ही ऑसम प्राइमर है। जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ इसे ही यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैं लैक्मे का जेल प्राइमर यूज़ किया करती थी, बट ये मुझे उससे भी ज़्यादा सूट हुआ। तो इसको मैं ऐसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लूँगी और अपने हाथ से ही मैं इसे मसाज करूँगी। फिर अच्छे से मसाज करने के बाद सेकेंड स्टेप में मैं यूज़ करती हूँ कंसीलर। कंसीलर मैं सिर्फ मेरी आंखों के आसपास यूज़ करती हूँ और कहीं भी नहीं, क्योंकि ये चेहरे को एक्स्ट्रा वाइट बना देता है और मुझे पसंद नहीं है वो चीज़। तो बस कंसीलर मैं आंखों पर लगाऊंगी और जहाँ थोड़ा सा ब्लैकनेस दिखती है उस चीज़ को कवर कर दूंगी। एंड गाइस, ब्लेंडिंग में मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही करती हूँ, हाथों से ही करती हूँ, टैप टैप करके, क्योंकि स्पॉन्ज से जो ब्लेंडिंग होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो कई जगह या तो मुझे ठीक से करनी नहीं आती, बट मुझे हाथों वाली ब्लेंडिंग ही समझ आती है। और अब बारी है फाउंडेशन की। फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ मैबेलिन का फिट मी फाउंडेशन शेड 115 और आइवरी शेड है ये। मेरे को यही बेस्ट सूट होता है और ये भी मैं ब्लेंडिंग अपने हाथों से ही करती हूँ, स्पॉन्ज से नहीं करती हूँ। डॉट डॉट करके पूरे फेस पे मैं इसको फैला लूँगी और टैप टैप करके हाथों से मैं इसको सेट करूँगी। सेम वे में ही थोड़ा सा फाउंडेशन मैं अपने नेक पर भी लगा लूँगी, ताकि मेरा फेस और नेक एक जैसा लगे। तो मेरे मेकअप का बेस हो चुका है कंप्लीट और अब बारी है आईब्रो सेट करने की। इसके लिए जो आइटम मैं यूज़ करने वाली हूँ वो कोई ब्रांडेड आइटम नहीं है, मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया है। डेली बेसिस पर मैं स्कूल जाती हूँ तब भी अपने आईब्रो सेट जरूर करती हूँ। तो बस जल्दी से मैं अपने आईब्रो फिल कर लूँगी और ब्रश की हेल्प से इनको सेट कर लूँगी। अब है मेरे मेकअप का फेवरेट पार्ट, आईलाइनर। आईलाइनर लगाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मेरे पास जो आईलाइनर है वो लैक्मे का आइकॉनिक आईलाइनर है। बहुत ही ब्लैक और बहुत ही टिंटेड होता है ये और इजीली इसका जो ब्रश होता है इतना इजीली एप्लीकेबल होता है। एज यू कैन सी, मेरी आंखें थोड़ी छोटी हैं तो मैं थोड़ा लंबा लाइनर लगाती हूँ, हल्का सा विंग्स में लेती हूँ। गाइस, मैं आंखों पर कभी भी आई शेडो नहीं लगाती हूँ, बहुत ही रेयर ही शायद मैंने लगाया होगा, क्योंकि मुझे वो चमकती हुई और वो कलरफुल सी आंखें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मस्कारा लगाना मैं ज़रूर पसंद करती हूँ। सो गाइस, लाइनर हो चुका है, अब जल्दी से इसको सुखा लेते हैं और इसके बाद बारी है काजल लगाने की। काजल तो मैं डेली रूटीन में भी लगाती हूँ, कोई फिक्स ब्रांड नहीं है। कभी लैक्मे का लगा लेती हूँ, कभी NYB का लगा लेती हूँ, तो कभी मैबेलिन का लगा लेती हूँ। तो फटाफट से लगा लेते हैं काजल। तो काजल के बाद अब बारी है मस्कारा लगाने की। मेरी आईलिड्स बहुत ज़्यादा घनी नहीं है तो मस्कारा मैं ज़रूर लगाती हूँ, और ये जो है मेरे पास मैबेलिन का मस्कारा है। इसको लगाने के बाद थोड़ी देर तक मैं अपने आईलिड्स को अपने उंगलियों की मदद से होल्ड करती हूँ, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए अब लगा लेते हैं थोड़ा सा ब्लश, और ब्लश भी मेरे पास NYB का ही है। ये थोड़ा सा पिंकिश कलर में ब्लश है, जल्दी से इसको थोड़ा थोड़ा सा लगा लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अपने चीक बोन्स को और नोज़ को हाईलाइट करेंगे। तो ये मेरे पास शिमर हाईलाइटर है, जिसको थोड़ा थोड़ा सा मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी और फिंगर की मदद से इसको डैप डैप करके ब्लेंड कर दूँगी। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लिपस्टिक। आप पूरा मेकअप कर लो लेकिन लिपस्टिक नहीं लगाते हो तो सब कुछ फीका लगता है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का लिप लाइनर। पहले मैं अपनी जो लिप्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट करूँगी और अच्छे से उनको लाइनर लगाऊंगी। डार्क लाइनर लगाने के बाद जो ये जो चॉकलेट कलर का जो लिप लाइनर होता है, इसके साथ जब आप रेड लिपस्टिक को मैच करते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो लाइनर मेरा सेट हो चुका है और अब मैं लगाऊंगी लिक्विड रेड लिपस्टिक, मेरी फेवरेट, क्योंकि रेड कलर सबसे ज़्यादा मुझ पर सूट होता है। न्यू शेड मुझ पर कभी आज तक सूट हुए ही नहीं, मैं बहुत ही डल लगती हूँ न्यू शेड्स में। तो ये रेड कलर मैं लगा चुकी हूँ।
तो गाइस मेकअप पूरा डन हो चुका है, अब बारी है भारतीय नारी की सबसे पसंदीदा चीज लगाने की और वो है बिंदी। वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो मैं कभी भी वेस्टर्न ड्रेस पर बिंदी अप्लाई नहीं करती, मुझे कतई नहीं भाती, लेकिन जब भी मैं इंडियन वियर पहनती हूँ तो मैं बिंदी जरूर लगाती हूँ और मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक बिंदी, तो वो मैं लगा चुकी हूँ। और अब बारी है थोड़े से झुमके पहन लेने की, तो ये वाली झुमकी है मैंने आपको अपने मीशो हॉल में भी दिखाई थी, मेरी फेवरेट्स में से हैं, तो अब मैं इन्हीं को पहनने वाली हूँ अपना लुक कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से इन झुमकियों को पहन लेते हैं। बहुत देर तक मैं कभी इतनी हैवी झुमकी कैरी नहीं कर सकती क्योंकि जो कानों के होल होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है। और अब मेरा पूरा मेकअप हो चुका है, लुक कंप्लीट है, बाल खोल लेती हूँ जल्दी से। सो गाइस बाल अभी गीले हैं तो इनको मैं अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ी देर में बनाऊंगी। और वैसे भी मुझे कुछ हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, मैं सिर्फ उसे स्ट्रेट हेयर रखने पसंद करती हूँ, वही मुझ पर सूट होते हैं। तो दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हमारे बाकी ब्लॉग्स भी देखिए एंड कमेंट भी कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो इसके अलावा भी आप कुछ और ट्यूटोरियल चाहते हैं मुझसे, देन प्लीज़ 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 कमेंट ऑन द वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय, सेवनारा एंड टेक केयर।